हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे मंदी बिरयानी। ये अरेबियन डिश है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे पहले हम मंदी बिरयानी का मसाले की तैयारी करेंगे। दो चम्मच हम खड़ा धनिया लेंगे और दो चम्मच हम सौंफ लेंगे, दो जावित्री ले लेंगे, दो दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 8 से 10 इलायची लेंगे, छोटी इलायची, 1.5 चम्मच हम सौंठ ले लेंगे, अदरक का पाउडर होममेड है, 1 से 1.5 चम्मच हम जीरा ले लेंगे, 8 से 10 हम लौंग लेंगे और 8 से 10 हम काली मिर्ची ले लेंगे और 2 से 3 बड़ी इलायची ले लेंगे। इनको पीस के इनका एक फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने ये चिकन लिया है, 1.5 किलो हमने चिकन लिया था। कुछ हमने छोटे पीसेस लिए, कुछ हमने बड़े पीस लिए। हमने धो के चिकन को अच्छे से साफ़ कर लिया और इस तरीके से हमने उसमें कट लगा लिए। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। 2 चम्मच हमने अदरक लिया है, 2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है और 2 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिए, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। 1/2 चम्मच हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, 2 से 3 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें मंदी बिरयानी का मसाला डाल देंगे जो हमने पीस के रेडी किया था, और 1 चम्मच हम इसमें नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे चिकन पेस्ट की कोटिंग करेंगे और जो हमने चिकन में कट लगाए इसमें हमें मसाला अच्छे से भर लेना है। इस तरीके से देखिए, चिकन में हमने मसाला भर के रेडी कर लिया है और चिकन हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा जूसी बन के रेडी होगा। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। एक ग्रिल पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और चिकन के पीसेस को डाल के हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है इसे। इस तरह से हम सारा चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम चावल की तैयारी करते हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें हम 1 कप ऑयल डाल देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्ची और छोटी इलायची और 2 से 3 स्लाइस कट की हुई इसमें हम प्याज डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे देसी घी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 टमाटर डाल देंगे चॉप किए हुए, 2 से 3 हरी मिर्ची डाल देंगे, 2 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसके बाद हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 चिकन के क्यूब्स डाल देंगे और जो मसाला हमने पीस के रेडी किया है वो मसाला इसमें डाल देंगे और 2 हम सूखे लेमन डाल देंगे, ड्राई लेमन। मेरे पास ब्लैक लेमन नहीं है इसलिए मैं ड्राई लेमन डाल रही हूँ। और इसके बाद हम मसाले को भुनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम चावल के अकॉर्डिंग लेंगे। चावल हमने 1 किलो लिए हैं और इसको हमने 1 घंटा भिगा लिए थे। ये बासमती सेला चावल है। 1.5 से 2 लीटर के आसपास हम इसमें पानी डालेंगे और भिगे हुए चावल में पानी थोड़ा कम लगता है इसलिए आप पानी जो है चावल के अकॉर्डिंग डालिएगा और डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, चावल हमारे कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन रख देंगे और ऊपर से हम थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे जो हमने पीसा था और हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा काट के डाल देंगे और इसके बाद इसे हम दम पे रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। बिरयानी के साथ खाने वाली इसकी चटनी बना लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और 4 से 5 टमाटर ले लेंगे। इनको एक ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसमें हम नमक डाल देंगे और 1 नींबू का रस डाल देंगे। ये हमारी चटनी बन के अच्छे से रेडी हो चुकी है बिरयानी के साथ खाने के लिए। अब हम बिरयानी देखते हैं। ये बिरयानी देखिए हमारी कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे खिले खिले चावल बन के रेडी हुए हैं। ये अरेबियन बिरयानी है, मंदी बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे अपने घर में इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।